करने के लिए शुक्रिया। नो प्रॉब्लम, मुझे खुशी हुई। तुम भी कब से इंतजार कर रही होगी ना कि महल में जाकर फ्रेश हो जाऊं? क्या किसी और जानवर को नहाने की जरूरत नहीं? मेरे ख्याल से अब बस हम दोनों ही बची हैं और मैं जल्दी से इस कीचड़ को निकालना चाहती हूँ। ओह नहीं, एंजल गंदा हो गया, तो मुझे रुककर उसे नहलाने में मदद करनी चाहिए, है ना? जो है स्ट्रॉन्ग भी शेयरिंग काइंडनेस है इजी और मैजिक से ही जिंदगी मेरी दोस्ती है पक्की। थैंक यू एवर सो मच एंजल को नहलाने के लिए, पर मेरे ख्याल से वो सूख गया है। गुडनेस, बहुत देर हो गई है। तुम्हें सच में सारा दिन यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारे एहसान मंद नहीं है। मैं तो बहुत थक गई हूँ। इसके अलावा मुझे कल पैनकेक्स ब्रेकफास्ट के लिए आराम भी तो करना है, और मुझे यकीन है तुम्हें भी महल को तैयार करना है। नहीं, महल तो ठीक है, पर शायद मुझे जाकर देखना चाहिए कि क्या पिंकी को पैनकेक्स बनाने में मदद चाहिए। एंजल, ये बहुत ही स्वादिष्ट है पिंकी पाई। थैंक्स, टॉयलेट ने मेरी फ्लेवर चुनने में मदद की। मुझे लगा था कि हमें सही फ्लेवर मिल गया है, पर वो कहती रही कि मुझे ट्राई करने के लिए कुछ और बनानी चाहिए, और कुछ और और कुछ और। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कभी नहीं जाना चाहती। सही कहा। आखिर में वक्त खत्म हो गया, तो हमने तय किया एवरीबॉडी इन इजिप्ट सरप्राइज के साथ चलते हैं। और मैं मिक्सचर बनाते वक्त अपना चम्मच उसी में कहीं भूल गई। किसी पोनी को एक बहुत ही खास पैनकेक मिलने वाला है। पूरी रात जागी हाँ? क्या इसलिए वो थोड़ी सी आउट लग रही है? मैं कहना तो नहीं चाहती, पर किसी ने ध्यान दिया कि पिछले कुछ दिनों से ट्वाइलाइट हमारी कुछ ज्यादा ही मदद कर रही है? हाँ, मुझे याद आया, वो एक दिन स्वीट एप्पल एकस में मदद करने आई और आधी रात तक वहीं पर रही। उसने पेड़ लगाने के लिए 50 गड्ढे खोदे जबकि मुझे सिर्फ 10 की जरूरत थी। उसने बुटीक में एक इकलौती जेम ड्रॉर को जांचने में एक पूरी दोपहर लगा दी। एक पूरी दोपहर? तुम्हें लगता है ये अजीब है? कुछ दिन पहले उसने मुझसे रेस लगाई, कोई 100 बार हारी होगी वो, पर वो रेस लगाती रही। बेस्ट आउट ऑफ 10, बेस्ट आउट ऑफ 20, बेस्ट आउट ऑफ 100। मतलब जानती हूँ, मेरे साथ हैंग आउट करना मजेदार है, पर ऐसा लग रहा था उसे हारना सही लग रहा था। से? हाँ, ऐसा कौन करता है? कोई पोनी जो किसी चीज से दूर भाग रही हो, वो जैसे ही उठेगी हम पता लगाएंगे वो चीज क्या है। मैं जीत गई। मैं पैनकेक हूँ, मेरा मतलब मैं जगी हुई हूँ। ट्वाइलाइट, क्या तुम हमें कुछ बताना चाहती हो? हमारे लिए जो कुछ भी तुम करती हो उसके लिए हम कितने एहसान मंद है, और हमें तुम्हारे साथ रहना बेहद पसंद है। पर हमें डर है कि किसी चीज से तुम दूर भाग रही हो। तुम लोगों को पता चल गया है, मैं वो कुछ खास बात मैं जानती हूँ कि ये बकवास है। मैं दूर भाग रही हूँ इस जगह से। हाँ, इक्वेस्ट्रिया के नाम पर तुम क्यों दूर भागना चाहती हो इस खूबसूरत जगह से? हाँ, यहाँ सब कुछ तो है। बड़ी सी ऊंची छत जहाँ तुम्हें छोटा महसूस होगा, चमकता हुआ फर्श जो छूने पर ठंडा लगता है, और यहाँ पर है लंबे हाईवे। ओके, मैं समझ गई। महल बहुत ही शानदार है, पर ये बस यहाँ घर जैसा नहीं लगता मुझे। ओह,
इतनी सी बात। तुम्हें बस इसे सजाने की देर है डार्लिंग, इस जगह को अपना बना लो। ये बहुत ही मुश्किल लगता है, जरा देखो तो ये कितना बड़ा है, समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करूँ। हम इस महल को तुम्हारे सपनों का घर बनाते हैं, तब तक तुम पोनेविल जाकर थोड़ा आराम करो, जिसकी तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है ट्वाइलाइट, और तुम यहाँ की फिक्र मत करना। ये बात मैं बहुत प्यार से कह रही हूँ, पर आखिरी बार तुमने अपना चेहरा शीशे में कब देखा? मैंने कभी नहीं देखा तुम्हें ऐसे बिखरे हुए। हाँ, मैं भी बिल्कुल यही कहने वाली थी तुम्हें। मेरे ख्याल से मुझे थोड़ी मदद की जरूरत तो है, और मेरे महल को भी, और मैं जानती हूँ तुम सब बहुत अच्छा काम करोगी, क्योंकि तुमसे बेहतर मुझे कोई पोनी नहीं जानती। हम इस जगह को इतना आरामदायक बना देंगे जैसे कि बारिश के मौसम में साइड। तो क्या हमें साइड अभी मिलेगा? मेरा मतलब, चलो सजावट करें। ओह नहीं, क्या मैंने पैनकेक्स मिस कर दिए? मुझे उस ठंडी गुफा जैसी छत के नीचे बहुत अच्छी नींद आती है। स्पाइक, अच्छा हुआ जो तुम यहाँ आ गए। सच्ची? हाँ, तुम टॉयलेट को स्पा लेकर जा रहे हो। बहुत अच्छे, मुझे भी पंजों की मालिश करवानी थी। ओ, तुम्हारा मतलब अभी? चलो मिलकर काम करें, मिलकर ये महल चमका। जब हम करें सफाई, ये फिर से नया सा हो जाए। सफाई करने से चीजें फिर से लगती अपनी सी। दोस्तों पे हमारी लाएंगे फिर से खुशी। करें हम यहाँ सफाई। रंगीले बलों से तो जिंदगी में रंग हो, जो खुशियाँ देंगी जब जिंदगी खोले बाहें। जब भी तुम चाहो हीरो की कहानी संग हो, जो तुमको दिखलाएंगी बढ़ने की नई राहें। उड़ेंगे साथ में, चलो हम पंख फैलाएं। होंगे पर्दे यहाँ जो सिल्क और लेस के हो, और यहाँ पर लगेगी रेशमी जी की फोटो। सबको पसंद आए होगी ऐसी तैयारी, यहाँ पर होगी एक सुंदर फूलों की क्यारी। और यहाँ पर होगा भालू जो होगा प्यारा, होंगे सुंदर गहने चमकीला पत्थर न्यारा। और इन सबके बीच में पारी है ना जाना भूल, किसी भी पोनी के लिए यही पारी है कूल। चलो मिलकर काम करें, मिलकर ये महल चमकाएं। प्रिंसेस ट्वाइलाइट स्पार्कल के लिए ये फिर से घर बन जाए। ये उनका फिर से घर बन जाए। ये उनका फिर से घर बन जाए। वाओ गर्ल्स, हमने बहुत अच्छा काम किया साथ मिलकर। हाँ सच में हमने जरूर किया है। फ्लटरशाय, मुझे अच्छा लगा कि तुम इतने सारे जानवरों को ले आई हो। क्या वो तुम्हारी ट्रॉफीज हैं? वैसे मुझे लगता है ये ट्रॉफीज है तो सबकी, पर इन सब ट्रॉफीज पर मेरा नाम लिखा हुआ है। ओह माय गॉड एप्पलजैक, तुम तो पूरा खेत ही अंदर ले आई। ये नेचुरल है, कितना प्यारा टच दिया है। क्या ये रजाइयाँ विंटेज हैं? नहीं, बस पुरानी है, तुम्हारे चमकदार खिड़की वाले तामझाम से बिल्कुल उल्टा, जो कि वाकई बहुत अच्छा है। किसी ने भी मेरी खुफिया कन्फेटी कैनन्स के बारे में कुछ नहीं कहा। ओह हाँ, वो तो छुपी हुई है। हे दोस्तों, मेरे पंजे कैसे लग रहे? स्वीट सेलेस्टिया। स्पाइक,
क्या तुम और टॉयलेट इतनी जल्दी लौट आए? चिंता मत करो, मैंने उसके लिए सुपर डिलक्स मेन ब्लो आउट ऑर्डर किया है। ये जगह तो बहुत ही बुरी लग रही है। थैंक गुडनेस किसी पोनी ने तो कुछ कहा। ये काफी बुरा है ना? इस जगह को हमने कुछ ज्यादा ही तामझाम से भर दिया है। मुझे भी लग रहा है कुछ ज्यादा ही हो गया। तुम सब क्या बात कर रही हो, मुझे तो ये बहुत मजेदार लग रहा है। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। क्यों ना हम सब एक गहरी सांस लें और शांत हो जाएं? नहीं, उन पर्दों की कढ़ाई हूफ से की गई है। एक भी पंजा आगे मत बढ़ाना। सब पोनीज रुक जाओ। ओके, अब ये बुरा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता, पर ट्वाइलाइट का ब्लॉग ज्यादा देर नहीं चलेगा। अगर वो पहले महल से दूर भाग रही थी तो अभी तो वो यहाँ रहने भी नहीं आएगी। कम ऑन दोस्तों, हमें कुछ तो करना होगा। ट्वाइलाइट को हमसे बहुत उम्मीद है। स्पाइक, तुम्हें वापस पा जाना होगा और उसका ध्यान बटाना होगा। चाहे जो भी हो, उसे घर मत आने देना। मतलब हमेशा के लिए? पर हम यही रहते हैं। हाँ, शायद तुम उसे रोक सको सूरज ढलने तक। तुम्हारे लिए कुछ भी रैरिटी। ओके, हम ये मानते हैं कि महल बहुत ही भरा हुआ लग रहा है ना? तो क्यों ना हर कोई अपनी एक एक चीज बाहर ले जाए और देखे कि फिर ये कैसा लग रहा है। आहा! स्पाइक, तुम वापस आ गए। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत खूब। और उससे जरूरी बात, महल कैसा लग रहा है? बहुत खूब। मैं बेसब्री से घर जाकर सब देखना चाहती हूँ। ठीक है, मेरा मतलब नहीं, मेरा मतलब मैं अभी जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों ना हम एक मसाज करवा ले? मैं सोच रहा था मैं करवा लेता हूँ, ये वाली द एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ हॉट स्टोन डीप टिश्यू मसाज। हाँ, मुझे लगता है मैं एक ट्रेडिशनल मसाज लूंगी, पर तुम ये वाली ले लेना, ठीक है? क्या किसी ने मसाज ऑर्डर की? ये! चलो, मसाज का समय हो गया। मुझे इसका ये बत्ता बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे साथ आइए प्रिंसेस। कम ऑन रैरिटी, हर पोनी ने कुछ ना कुछ हटाया है सिवाय तुम्हारे। जानती हूँ, पर मैं कुछ तय नहीं कर पा रही। तो ये कैसा रहेगा? नहीं, वो नहीं, उसे छोड़कर कुछ भी। तो ये कैसा है? पर ये तो पूरे कमरे में रोशनी कर रहे हैं, वो मेरा पसंदीदा रंग है। तो इन पर तो हटा देते हैं। इस कमरे को रोशनी की जरूरत नहीं है अगर उनकी वजह से अंधेरा नहीं होता। वो नहीं, वो भी मेरे फेवरेट है। सब कुछ तुम्हारा फेवरेट नहीं हो सकता है। ओके, मैं इस तस्वीर को हटा रही हूँ क्योंकि हम सबको पता है हम कैसे दिखते हैं। ये कमरा अब भी बहुत भरा हुआ लग रहा है। शायद मुझे कुछ पोस्टर्स हटा देने चाहिए, बस मदद के लिए बेशक। ओके, सब पोनीज शांत हो जाओ। मुझे यकीन है हम किसी तरीके से फालतू सामान हटा ही देंगे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा डियर। हे, वो मेरी गर्म रजाइयां हैं। साथ मिलकर। फ्लटरशाय, इनसे कहो कि मेरे बलून्स में चोंच मारना बंद करें। मुझे नहीं लगता उन्हें ऐसे अचानक चौंकना अच्छा लगेगा किसी कॉन्फेटी कैनन जैसी चीज की वजह से। पर हम कॉन्फेटी कैनन्स को नहीं हटा सकते। मुझे याद नहीं वो कहाँ छुपा था। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैंने कहा ना, मैं करूँगी। बहुत अच्छा आइडिया था स्पाइक, मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। तुम मेरे ऊपर बैठना चाहोगे? उससे शायद हम जल्दी महल पहुँच सके। मेरा मतलब कितना सुहाना दिन है ना? मैं सोच रहा था क्यों ना हम लंबे रास्ते से चलें। हाँ शायद। कम ऑन, मसाज के बाद चलना जरूरी होता है। वाकई? मैंने तो कभी इस बारे में नहीं पढ़ा। मैं इस जगह को बहुत मिस करती हूँ स्पाइक, हमने यहाँ कितनी खूबसूरत यादें जमा की थी। हाँ, तुमने सही कहा। ओह स्पाइक, मुझे माफ कर दो। बेशक गोल्डन ओक लाइब्रेरी को खोना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम गर्ल्स को कहें कि वो महल में कुछ ऐसा जोड़ें जिससे वो तुम्हारे घर जैसा लगे। सच में? आ जाओ। आओ, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे याद आया कि मुझे क्या चाहिए। ओके, तो क्या चाहिए तुम्हें? वो
मुझे चाहिए वो मुझे कुछ चाहिए, एक बेड। मुझे लगा तुमने कहा था कि तुम महल में बच्चों की तरह सोते हो। हाँ, सब पोनीज जानते हैं कि बच्चे चैन से नहीं सोते। चलो चले। ये लो, अब महल में कुछ भी बेकार सामान नहीं है। तुमने सही कहा, अब सच में महल में कुछ भी सामान नहीं बचा है। अब हम क्या करेंगे? मुझे बुरी खबर देना बिल्कुल पसंद नहीं, पर सूरज डूबने ही वाला है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो उसे लगेगा हमने कोई कोशिश नहीं की। ये इतना मुश्किल क्यों है? हम उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं, हमारे लिए आसान होना चाहिए। उसने खुद भी यही कहा था, अगर कोई पोनी उसके नए घर में आराम से रहने की मदद कर सकती है तो वो हम हैं। अगर हम ये नहीं कर सकते तो ट्वाइलाइट एक ऐसी जगह में फंस जाएगी जहाँ उसे रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वाओ फ्लटरशाई, मुझे नहीं पता था तुम्हारी आवाज इतनी गूंज सकती है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अब हम क्या करें? अगर टॉयलेट घर आ गई तो वो कहेगी तुम लोगों ने क्या किया, और हमें कहना होगा कुछ नहीं, और फिर वो कहेगी मैंने तुम पर भरोसा किया था, कैसे दोस्त हो तुम, और हम कहेंगे शांत हो जाओ पिंकी, हमें पता लगाना है कि हमने क्या गलती की है और उसे सुधारना है बस। वेल, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने ठीक वही किया जो मैं अपने खुद के घर में करती। पर ये तुम्हारा घर नहीं है, ट्वाइलाइट का घर है, जहाँ पर वो तुम्हारी सारी ट्रॉफीज रखती है। टूशे, हमने कुछ ऐसा किया जो हमें अपने घर में पसंद है बजाय कि ट्वाइलाइट के बारे में सोचने के। कम ऑन, हमें ट्वाइलाइट के बारे में सोचना होगा। गोल्डन ओक लाइब्रेरी में रहते वक्त सबसे ज्यादा उसे क्या पसंद था? ओह हाँ, सब कुछ, किताबें, किताबों की खुशबू और किताबों को संभाल कर रखना। याद है जब मैं किताबों से जा टकराई थी, जब मैं एनासोनिक बूम करने की कोशिश कर रही थी और तुम लोगों को सफाई करनी पड़ी? वो भी क्या वक्त था। हाँ, तुम्हारे लिए शायद। ओह हाँ एप्पल जैक, याद है जब हम वहाँ स्लीप ओवर के लिए फंस गए थे, उसमें कितना मजा आया था, है ना? याद है जब उस धमाके से उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे? रुको, नहीं, वो बहुत बुरा हुआ। हमारे पास वहाँ की बहुत अच्छी यादें हैं, इसीलिए तो गोल्डन ओक लाइब्रेरी घर जैसी थी। आहा। समझ आ गया। वो वाला कैसा है? बहुत ज्यादा मुलायम, बहुत सख्त, ऊबड़ खाबड़ है? बिल्कुल सही, मैं इसे लेना चाहूँगा। थैंक गुडनेस, मुझे लगा तुम्हें अपनी पसंद का बेड कभी नहीं मिलेगा। चलो किसी सेल्स पोनी को ढूंढते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं। जैसा तुम कहो। मेरा मतलब, क्या तुमने वो सुना? बहुत आवाज करता है, हमें कुछ और देखना चाहिए। शायद मेरा प्लान काम नहीं आएगा। बेशक इससे काम बन जाएगा, मुझे दिखाई दे रहा है। तुम और फ्लटरशाई यही रुको, रेनबो डैश और पिंकी पाई तुम मेरे साथ आओ, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। हम तुम्हें वापस महल में मिलेंगे। महंगी चीजें ना है काफी, अमीर बन जाओ जितने भी, पड़ती बस जरूरत है उन चीजों की जो दिल को लगते हैं सही। बनाए 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 इस महल को फिर से घर, बनाए बनाए इस महल को फिर से घर, बनाए बनाए इस महल को फिर से घर। हेलो, हम घर आ गए हैं। घर में तुम्हारा स्वागत है। ओह, मुझे ये बहुत पसंद आया है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ओरिजिनल डिजाइन को जैसा था वैसा ही रख कर। ओह कम ऑन, ये बिल्कुल पहले जैसा ही है, तुम्हें अंदाजा भी है उसे घर आने से रोकने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया? अब मैं डस्ट नहीं देखना चाहता। रुको, मुझे यहाँ आने से रोकने के लिए? हमने जितना सोचा था उससे थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया। घर को घर कोई चीज नहीं बनाती, बल्कि वो यादें जो हम वहाँ रहते हुए इकट्ठी करते हैं। इसलिए हमने कुछ ऐसा बनाया है जिसमें वो हर याद की झलक है जो हमने तुम्हारे पोनी विल आने के बाद जमा किए हैं। इस झूमर की सजावट तुम्हें याद दिलाएगी वो सारी चीजें जो हमने मिलकर की हैं। ये याद दिलाती है गोल्डन ओक लाइब्रेरी की उस पार्टी की जो तुम्हारे पोनी विल आने की खुशी में दी थी, और वो वक्त जब हमने ग्रैंड गैलोपिंग गैला के बाद डोनट्स खाए थे।
हम सोच रहे थे कि अपनी खूबसूरत पुरानी यादों को देखकर तुम्हें और भी नई यादें बनाने की प्रेरणा मिलेगी। और सबसे बेस्ट चीज है कि ये बना है गोल्डन ओक लाइब्रेरी की जादू से, ताकि तुम ये कभी ना भूलो कि तुम कहाँ से आई हो। इस महल को बस इसी की जरूरत थी, और अब मैं तैयार हूँ यहाँ नई यादें संजोने के लिए। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं एक नई यादों के केक से। 7 लेयर्स वाला व्हाट्स दैट फ्लेवर मिस्ट्री सरप्राइज। ये शायद चॉकलेट चिप्स है, या फिर हो सकता है ये सुपर स्पाइसी ब्लैक बीन्स हो। चलो मेरे डाइनिंग रूम में चलते हैं। ये थोड़ा फैला हुआ है, पर कम से कम वहाँ टेबल्स और चेयर्स तो हैं। वाओ, इस जगह को क्या हुआ? पिछली बार जब मैंने देखा तो ये जगह बिल्कुल खाली थी। मैं खुद को रोक नहीं पाई, इस जगह को एक पर्सनल टच की बेहद जरूरत थी। सच कहूँ तो मैं भी खुद को रोक नहीं पाई। शायद तुम्हारे किचन में तुम्हें थोड़ी पुराने खेतों वाली सजावट मिले, और शायद लाइब्रेरी में कुछ डेयरिंग डू पोस्टर्स भी हो सकते हैं या नहीं। और तुम्हारे बेडरूम में कुछ स्टफ्ड एनिमल्स हैं। वो क्या था? हाँ, पिंकी पाई की कन्फेटी कैनन्स में से एक। क्या? ये मेरी गलती नहीं कि मैंने उन्हें इतनी अच्छे से छुपाया।